कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाण और सब ही उभा पंथ सिर रावल रंक सुल्तान। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो आपका पता नहीं कितने समय का है। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उस श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवण हो कि न हो। उसके विषय में परमात्मा फिर कहते हैं कबीर थोड़ा जीवना, ये जीवन थोड़ा और मंडे बहुत मंडाण, कल्पनाएं पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बना के आपने सकीम बना के रख रखी है, और सब ही उभा पंथ सर राव रंक सुल्तान, सभी यहाँ से चलने वाले मार्ग पर खड़े हैं, कभी भी आपका नंबर यहाँ से प्रस्थान करने का आ सकता है। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। परमात्मा कहते हैं एक दिन ऐसा होगा आप सबसे विदाई ले लोगे और जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है। आप अपने संस्कारवश यहाँ आए हो, जन्मे हो, संस्कार पूरे होते ही आप यहाँ से चले जाओगे। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है, सतगुरु कराते हैं और सतगुरु परमात्मा का विधान बताते हैं। परमात्मा ने जो विधान बताया था 600 वर्ष पहले वो आपको दास बता रहा है, सुना रहा है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। चाहे कोई राजा है या रंक निर्धन व्यक्ति है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी के लिए एक सामूहिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गुड़ गुड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। ऊंचा दिख धोलरा ये मंडी चीती पोले, एक हरी के नाम बिना यू काल मार रहा रोड़े। कबीर देवल ढह पड़ा ये ईट रही संवारे, करते दारा से प्रीतड़ी भाई डहन दूजी बार। कबीर कहाँ चुनाव है मैडिया ये लंबी भीत उसारे, घर तो साढ़े तीन हाथ भाई गणा तपोने चार। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप परमात्मा के विधान से अपरिचित और इस नाशवान स्थान को स्थाई मानकर अनजानपने में बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में अपना अनमोल मनुष्य जीवन नाश कर रहा है। कहते हैं कहाँ चिना वह मैडिया कोठिया और लंबी भीत उसार, लंबी लंबी द्वार खींच रखी थे, घर तो साढ़े तीन हाथ और घना तो पौने चार। इस टाइम पास करने के लिए इस लोक में परमात्मा बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक मनुष्य ने एक चारपाई पर और एक कमरे के कोने में सोना होता है, और उसके लिए 6 कमरे 10 कमरे बनाओ, ऊपर नीचे कोठी 6-6 मंजिल की बना कर बैठ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानहीन प्राणी के लक्षण होते हैं।
जिसको पता नहीं तू कब यहाँ से चला जाएगा, कब तेरा जाना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रे री भाई, ताते लगी है वारे।